14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे इस बाल मजदूरी के दलदल में दस्ते चले जाते हैं। In this present scenario, child labor is becoming the hottest issue of concern for society and nation. So, there is a need to stop child labor because every child deserves right to education. Our today's presentation is based on this hard reality of our society. भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं? अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही, अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं होगी, समझी? आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें, ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए
को ना दुख पहुंचे, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम।